बदरपुर के टंकी रोड के पास नाला रोड पर जेडीयू ने प्रदेश अध्यक्ष दयानंद राय की अगुवाई में एमसीडी का विरोध प्रदर्शन किया। वह एमसीडी का पुतला फूका और एमसीडी के खिलाफ नारेबाजी भी की। इस प्रदर्शन में जेडीयू कार्यकर्ताओं में आक्रोश देखने को मिला। गरीबों का मकान तोड़ना बंद करो, बंद करो, गरीबों का मकान तोड़ना बंद करो, बंद करो, बंद करो, भोजन पॉलिसी हाय 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 मुर्दाबाद 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 सरकार मुर्दाबाद 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 एमसीडी मुर्दाबाद 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 वही जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष दयानंद राय ने क्षेत्र में हो रही तोड़फोड़ का जिम्मेदार वर्तमान विधायक नारायण दत्त शर्मा नहर पार के दोनों पार्षदों पर मध्य क्षेत्र के चेयरमैन के शुक्ला को ठहराते हुए उनको चेताया। सर आज तो यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया गया है, किस संदर्भ में किया गया? क्या चीज है आज जो विरोध प्रदर्शन किया गया, किस संदर्भ में किया गया? देखिए यहाँ पे जो ओजोन का एक मुद्दा चल रहा है वो कोई मुद्दा नहीं है। वो मुद्दा पहले बनाए बीजेपी के जो विधायक थे, वो उससे बचा खोचा कांग्रेस, अब उसको बना दिया आम आदमी पार्टी के विधायक ने। उन्होंने पैसे लेने की, पैसे कमाने के धर्रा बना लिए। पहले तो नोटिस भेजवाते हैं, फिर काउंसलर पहुंचते हैं, फिर चेयरमैन पहुंचते हैं, और फिर पुलिस वाले पहुंचते हैं, अंदर से पैसे लेते हैं, और ऊपर पब्लिक के बीच में कहते हैं जो बीजेपी मुर्दाबाद मुर्दाबाद। लेकिन सब मिले हुए जितने मकरा के जाल हैं, सारे पैसे ले रहे हैं और पैसे कमाने के धरा बना रखे हैं। सर दोनों को आपने बता दिया, दोनों मिले हुए, दोनों अलग अलग पार्टियों से हैं। आपके मुताबिक सबके सब मिले हैं, सब मिले हुए, दोनों ही अलग अलग पार्टियों के और एक दूसरे। वो तो पब्लिक को बुद्धू बना रहे हैं, पब्लिक को बुद्धू बना रहे हैं। आप क्या सोचते हो, आम आदमी पार्टी नरेंद्र शर्मा क्या पैसे नहीं कमा रहे हैं? वो भी पैसे कमाने का जरिया बना लिया है। बीजेपी ने तो पहले बना रखा है, एमसीडी चेयरमैन पहले बना रखा है। ये सब आप लोग जानते हो, जो रात को पैसे लेते हैं और दिन में पुलिस के सामने पब्लिक के बीच में छाती खड़ा करके ऐसे खड़े हो जाते हैं। सर इन दोनों के आरोप प्रतिरोप में क्षेत्र की जनता पिस रही है, जो उनके नाम पे है। देखिए इसी दिल्ली में आती है और बदरपुर में जेडीयू का विधायक आता है, तो क्या आपकी तरफ से क्या कदम उठाए जाएंगे? आपने हमारे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और बिहार के मंत्री और हम दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष, जब भी हम मीटिंग करते हैं तो जनता से यही अपील करते हैं, जो आप हमारे पास आएंगे, अगर आपकी समस्या का समाधान ना हो तब आप कहेंगे ना, आप तो सीधे आम आदमी के दरवाजे खटखटाते हैं, वो आपकी जेब काटता है। आप बीजेपी के पास जाते हैं, वो आपकी गला काटता है। जनता दल यू आप बिहार में देख रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार जी का कहना है, पहले जनता फिर हम, वही चीज़ हम दिल्ली में करने जा रहे हैं। अगर 2020 में जनता दल यू के सीट आती है निकल के, नहीं भी आती है तो भी हम इस चीज़ को लेके लड़ेंगे। लोग आएंगे, हम उनके दुख सुनेंगे और हम ऊपर तक पहुँचेंगे। यहाँ जो एमसीडी का बुलडोजर चल रहा है, ये षड्यंत्र है। बदरपुर में जो अभी तक राज करते आए हैं जो नेता, उनका षड्यंत्र है। जी एक आदमी का उगाही बंद हो जाता है, दूसरा कंप्लेन करके उगाही करना स्टार्ट कर देता है, हिस्सा नहीं मिलता है, एक दूसरे के कंप्लेन करके गरीबों के मकान पर बुलडोजर चलवा रहे हैं। इसमें पूर्व विधायक इन्वॉल्व हैं, यहाँ पे निगम पार्षद इन्वॉल्व हैं, वर्तमान विधायक नारायण शर्मा इन्वॉल्व हैं, एमसीडी का चेयरमैन के शुक्ला इन्वॉल्व हैं। ये सब केवल कलेक्शन होना चाहिए। हमको कम हो रहा है तो उनके कम, सबका देखिए अपने आप लेटर आ रहा है। कोई विधायक का लेटर पर कंप्लेन पर टूट रहा है तो कोई चेयरमैन के कंप्लेन पर टूट रहा है। मीडिया में, सोशल मीडिया में सबका लेटर आ रहा है। ये तो हम लोग जब तंग आ गए हैं, बदरपुर के गरीब रोने लगा, मकान छोड़ कर जाने लगे। यहाँ तो भगदड़ मचा हुआ है, कब किसके मकान पर बुलडोजर चल जाएगा। यहाँ तो जनता रोड पर आ गई है और ये जितने नजर आ रहे हैं सब
बदरपुर के जनता है और कॉलोनी के जनता है, इन नेताओं पर से विश्वास उठ गया है क्योंकि ये लोग राज किए और मकान तोड़वाए, पैसा वसूली कर रहे हैं करोड़ों रुपया महीना में कमाने के चक्कर में। विधायक देख रहा है मैं लूट के रख लूँ, एमसीडी के निगम पार्षद देख रहे हैं मैं लूट के रख लूँ क्योंकि दोबारा जीत के आना नहीं है। इसी चक्कर में गरीबों का मकान तोड़ा जा रहा है, लाखों रुपया लेकर अपना गरीब जो खून पसीना से जमीन खरीदा है लाखों रुपया देकर मकान बनवाता है, पुलिस को घूस देना पड़ता है, यहाँ एमसीडी को घूस देना पड़ता है, डीडीओ को घूस देना पड़ता है, उसके बाद मकान बनवाता है और फिर आके बुलडोजर चल जाती है उसके ऊपर। सबसे पहला कदम मैं विधायक हमारा आए या नहीं आए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के आज मंत्री जल संसाधन मंत्री संजय झा जी आए हुए थे, उन्होंने वादा करके गया है कि मैं जल्द से जल्द ओजोन को यहाँ से हटवाऊंगा। हमारा विधायक आए या नहीं आए, ओजोन हमारा हटवाना हमारा कर्तव्य है और हम जनता का सेवा के लिए तैयार है। हम नेता बनने के लिए यहाँ नहीं है, हमारा जनता जिसको नेता बना, लेकिन हम जनता के लिए लड़ेंगे और आगे वाले चुनाव में जेडीयू पूरे दिल्ली में चुनाव लड़ेगी, जनता उसका फैसला करेगा, काम हम उससे पहले करेंगे, चुनाव बाद में लड़ेंगे। आए दिन एमसीडी का दस्ता आता है और गरीबों का आशियाना सुधार के चला जाता है, क्या कहेंगे? मेरा यही कहना है कि जब भी कोई यहाँ जितने भी आम पार्टी के हैं हर जगह करप्शन फैला, हर विधानसभा की यही स्थिति, लेकिन बदरपुर की स्थिति सबसे दयनीय है क्योंकि यहाँ गरीब लोग कैसे पैसा इकट्ठा कर करके घर बनाते हैं और कभी एमसीडी का चल जाता है, कभी विधायक का चल जाता है, कभी डीडीए आती है, यहाँ के लोग काफ़ी परेशान हैं, काफ़ी दिनों से चल रहा है। इसलिए हमारी पार्टी आज ये संकल्प ले रही है कि यहाँ से हम सबको सुधारेंगे, जो ये सब करप्शन चल रहा है इसको हम लोग हटाएंगे। देखना यह है कि क्षेत्र में हो रहे एमसीडी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन क्या रंग लाता है, जेडीयू के क्षेत्र में सक्रिय होने से क्या क्षेत्र को ओजोन से मुक्ति मिलेगी। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए देखते रहिए हुंकार 24/7। धन्यवाद।